फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन पिछले वीडियो के अंदर आर्टिकल टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहे थे और अपने पढ़ा था कि जो आर्टिकल जो है, शब्द जो है वो आर्टिकुलस, लैटिन भाषा के आर्टिकुलस से बना है, जिसका मतलब होता है डिम, अर्थात ये एडजेक्टिव की एक वीक फॉर्म है। फिर अपने इसके प्रकार की टाइप की बात की थी कि डेफिनेट है, इनडेफिनेट है और जीरो आर्टिकल है। और उसके बाद में अपन जब द आर्टिकल का यूज़ पढ़ रहे थे, जेनरिक यूज़ पढ़ रहे थे, और उसके अंदर हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, और यदि प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन का काम करे तो उसके साथ अपन द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब जो आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं सेकंड के अंदर, वो है मटेरियल नाउन से रिलेटेड। अब देखिएगा, जब अपन मटेरियल नाउन की बात करें तो ये मटेरियल नाउन, और इसका आप यदि पिछली भर्तियों के अंदर यदि आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर हालत में पूछा गया मटेरियल नाउन से रिलेटेड। मटेरियल नाउन है क्या? मटेरियल नाउन वो है जिसको अपन या तो नापते हैं या अपने जिसको तोलते हैं, यानी कि नापने और तोलने वाले टोटल चीज जो है वो मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे अपन बात करें ऑयल की, वाटर की, आयरन की, वुड की, सिल्वर की, गोल्ड की, ठीक है, एक्सेट्रा, जितने भी ऐसे नाउन जिनको आप नाप सकते हो या तोल सकते हो वो सारे के सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। या फिर दूसरी बात क्या होती है, जिससे कुछ बने, जिससे कुछ बने। देखो, जिससे आप जिस चीज को लेकर कुछ बना रही हो ना, वो चीज जो है वो मटेरियल नाउन में आती है। जैसे अपने बात करें कि दिस रूम इज मेड ऑफ स्टोन, अब देखिए बन किस से रहा है, कमरा स्टोन से, जिससे बन रहा है ना, जिससे बन रहा है स्टोन है, तो स्टोन जो यहां मटेरियल नाउन के अंदर काउंट होगा, जिससे कुछ बनता है मटेरियल नाउन। एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, राम कुक्स ये अपने के हैं, राहुल कुक्स, कुक्स कुक कॉक मुर्गा पकाता है, और वो क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां कॉक जो है ये कौन सा नाउन है, सीओ के कॉक कौन सा नाउन है। आप देखिए, जिससे कुछ आप पका रहे हो, पका किसको रहे हो, आप कॉक को, जिससे कुछ बन रहा है ना, तो वो किस में काउंट होगा, मटेरियल नाउन में काउंट होता है। जिससे कुछ बने वो मटेरियल नाउन है, जिसको अपने नापे या तोले वो मटेरियल नाउन है। और इसके बाद में यदि अपने बॉडी की बात करें, शरीर हमारा पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे अपने बात करें, हवा है, पानी है, वाटर, एयर है, वाटर है, सोइल है, स्काई है और फायर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एयर को लेकर कि एयर कौन सा नाउन है। अब देखिए, हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो ये पांचों के पांचों मटेरियल नाउन में काउंट होते हैं। सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था 2009-11 की भर्ती के अंदर कि एयर कौन सा नाउन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जो है वो टिक किया था, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके लिए गलत होगा। एयर जो है वो मटेरियल नाउन में आता है, ये ध्यान रखना, मटेरियल नाउन में। और जब अपन मटेरियल नाउन की बात करें तो ये बात ध्यान में रखना कि मटेरियल नाउन, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन के साथ कभी भी अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते। एक देखिए, स्काई जो है ये एक अपवाद के रूप में है कि अपन स्काई के साथ द आर्टिकल का यूज करते हैं, बाकी किसी भी मटेरियल नाउन के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। तो देखिए, अपने सबसे पहले जो बात कर रही हैं कि मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो लिख लीजिएगा कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, बिफोर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से पहले अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब देखिए कि यदि अपन बात करें, आरपीएससी का एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन क्या था सेकंड ग्रेड के अंदर, वुड इज फ्लोटिंग इन द रिवर,
वुड इज फ्लोटिंग इन द रिवर। अब देखिए यदि अपने यहाँ बात करें वुड की, तो देखिए क्या है वुड, लकड़ी है। और दिमाग के अंदर फिर वो ये बात आ जाती है कि कुछ स्पेशल को लेकर अपन आर्टिकल गलत भर देते हैं। तो वुड जो है ये मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते। जो भी मटेरियल नाउन है उस मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब देखिए सेकंड सेंटेंसेस की अपन बात करें, तो हमने लिखा डैश राहुल मेड ए रिंग डैश गोल्ड। राहुल मेड ए रिंग डैश गोल्ड। अब जब अपन आर्टिकल की बात करें, तो देखिए यहां राहुल प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो अपन इसके साथ किसका यूज करेंगे, क्रॉस का। अब देखिए मेड ए रिंग, अब यहां बात किसकी कर रही है, गोल्ड की। तो गोल्ड कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते। ये ध्यान रखना कि जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। और देख लीजिएगा डैश फायर कैन बी डेंजरस, फायर कैन बी डेंजरस। अब देखिए फायर कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से पहले अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो यहाँ यूज किसका करेंगे, अपन क्रॉस का करेंगे। ध्यान रखें मटेरियल नाउन कौन से है, जैसे या तो कुछ बने या जिसको अपन नापें या तोले, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो ये मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से पहले अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब इसके अंदर तीसरी बात जो आती है, मटेरियल नाउन, और तीसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जब अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है जिसको अपन सिर्फ और सिर्फ फील करते हैं, ओनली फील, जिसको अपन महसूस करते हैं, फील करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं। जैसे अपने बात करें ऑनेस्टी है, पॉवर्टी है, चाइल्डहुड है, लव है, हेट है, नॉलेज है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं, जिनको अपन सिर्फ फील करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये ध्यान रखना सब्जेक्ट, इसका पहले तो प्रोनंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बोलते अपन, सब्जेक्ट नहीं होकर सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे अपन बात करें हिस्ट्री है, ये अपने बात करें पोल साइंस है, ये अपन बात करें जियोग्राफी है, एक्सेप्ट्रा। तो जितने भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और नंबर तीन लैंग्वेज, और ये बात ध्यान में रखना, लैंग्वेज को प्रॉपर नाउन मत कर देना, या लैंग्वेज को कॉमन नाउन मत कर देना। लैंग्वेज जो है, चाहे अपने हिंदी की बात करें, चाहे अपन पंजाबी की बात करें, चाहे अपन इंग्लिश की बात करें, एक्सेट्रा, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तीन चीजें इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ध्यान रखना है, एक तो जिनको अपन फील करते हैं, ऑनेस्टी हो गया, पावर्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, नॉलेज हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। सेकंड सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, मैथ्स है, साइंस है, जो भी है, सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और तीसरा आता लैंग्वेज, लैंग्वेज की जब अपन बात करें, हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, उर्दू है, फ्रेंच है, जितनी भी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज जो है वो किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। अब देखिए इसके अंदर है क्या कि जो आर्टिकल जो है, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब देखिए इसकी जब अपन बात करें, तो देखिए हिस्ट्री इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखिए आपने आर्टिकल का यूज करना है, हिस्ट्री, हिस्ट्री ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते।
सेकंड सेंटेंस की आपने बात अपन बात करें तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले अपन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तीसरा इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब देखिए इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, तो इसके साथ अपन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, अपन यूज किसका करेंगे, क्रॉस का यूज करेंगे। चाइल्डहुड इज ए गेम इज, अब देखिए गेम इज, चाइल्डहुड क्या है, गेम इज, चाइल्डहुड बचपन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इससे पहले अपन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो लैंग्वेज को लेकर आती है, और अपने देखा कि लैंग्वेज जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखनी है लैंग्वेज को लेकर कि अपन लैंग्वेज की बात कर रहे थे तो लैंग्वेज अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन लैंग्वेज के अंदर इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखना कि यदि लैंग्वेज जो है ना किसी वर्ग विशेष की बात करे, किसी कम्युनिटी की बात करे, तब अपन लैंग्वेज से पहले किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब देखिए यहां एक गाना था कि सूर्य अस्त पंजाबी मस्त, सूर्य अस्त पंजाबी मस्त। अब देखिएगा सूर्य अस्त पंजाबी मस्त, यदि सिर्फ अपने पंजाबी की बात करें तो पंजाबी एक लैंग्वेज है, पंजाबी एक क्या है, लैंग्वेज है। लेकिन यदि सॉन्ग की अपन बात करें कि सूर्य अस्त पंजाबी मस्त, पंजाबी मस्त इट मींस पंजाबी बोलने वाली पूरी की पूरी कम्युनिटी, हम ये कह सकते हैं सिख या सरदार। अब पंजाबी लैंग्वेज जो है ना एक सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जब लैंग्वेज किसी भी वर्ग को, किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, तब अपन उसके साथ किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का। अपने पढ़ते थे ना अंग्रेजों ने भारत पर, या सॉरी अंग्रेजी ने भारत पर राज किया। अब देखिए अंग्रेजी जो है लैंग्वेज है, लेकिन यहां वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो कर रही है अंग्रेजों को। और जब लैंग्वेज जो है वो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, किसी वर्ग विशेष की बात करे, तब अपन लैंग्वेज के साथ किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स की यदि अपन बात करें तो देखिएगा डैश इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया, इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया। अब देखिए अंग्रेजी ने भारत पर शासन किया, अंग्रेजी तो कर नहीं सकती, लेकिन यहां इंग्लिश जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, अंग्रेजों को कर रही है। और जब लैंग्वेज जो है वो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, तब अपन उसके साथ किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का, द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया। अब और देख लीजिएगा जैसे अपने कहें डैश इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ डैश इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ डैश इंग्लिश, अब यहां दो बार इंग्लिश इंग्लिश का यूज किया गया है। अब यदि यहां पर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज है, यूज किसका करेंगे, क्रॉस का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ किसकी है, अंग्रेजों की है, तो इस इंग्लिश से पहले अपन किसका यूज करेंगे, द इंग्लिश, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अब देखिए थर्ड सेंटेंस की अपन बात करें, हमने लिखा पंजाबी इज ब्रेव, पंजाबी इज ब्रेव। अब देखिए पंजाबी ब्रेव तो हो नहीं सकती लैंग्वेज, तो है कौन, इस पंजाबी को बोलने वाली पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी वर्ग विशेष जो है उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो इस पंजाबी से पहले आप किसका यूज करोगे, द पंजाबी इज ब्रेव, यानी कि जितने भी पंजाबी कम्युनिटी को बोलने वाले सिख जो है वो सारे के सारे क्या है, ब्रेव है। ठीक है, तो जब लैंग्वेज जो है किसी वर्ग विशेष की बात करेगी, तब आप उसके साथ किसका यूज करोगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। थैंक्स।